हम लोग अंदर से बाहर आ गए और इतना अच्छा म्यूजियम बना हुआ है माशाल्लाह से। शुक्र है मैं और सिस्टर जो थे ना हम टाइम पे पहुंचे थे। सब स्टूडेंट बैठ गए और हमें जगह ही नहीं मिल रही। हमने कहा हम इसको बैठ जाते हैं। लगता है स्टूडेंट भी पूरे नहीं आ रहे, वो दो रह गए। उस हाथी को देख के मुझे बाहुबली वाली मूवी याद आ गई, उसमें भी ऐसे ही था। और ये अंग्रेज मुसलमानों पे जुल्म इस तरह से करते थे। पाकिस्तान बनने के दौरान मेरे जंग के दौरान उन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर दिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लोग अंदर आए हैं तो इतनी तेज धूप हो गई है यहाँ पे। ये देखें, उन्होंने बताया था कि ये वाला सामने है। ये देखें वो सामने, और ये सारा किला है। ये देखें, ये मेरी सिस्टर और साथ में देखें धूप चली गई थी और एकदम धूप आ गई। चलो चलो अंदर। और मैं यहाँ बैठी हूँ, देखें यहाँ से कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से। आते आते फुल तेज बारिश शुरू हो गई है। देखें वेलकम टू माय चैनल अनम गुड लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ ट्रिप पर। जो मेरी सिस्टर है वो सियालकोट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है ना, तो वहाँ के जो स्टूडेंट है ना उनको लाहौर लेके आ रही है ट्रिप पर, यानी कि सारी जगहों का विजिट करवाने के लिए। तो डिफरेंट जगहों पर जाना है। जब तक सबसे पहले तो म्यूजियम में जाना, आर्मी जो म्यूजियम है वहाँ पर, डन जोन है बादशाह मस्जिद में, किला में, और इसके बाद भी तीन चार चीज़ें और जगह बता रही थी। तो चलते हैं और वो मैं आपके साथ साथ रहूंगी, वो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलते हैं और चल के म्यूजियम चल के मिलते हैं। शुक्र है मैं और सिस्टर जो थे ना हम टाइम पे पहुंचे थे, क्योंकि जो सिस्टर थी ना वो तो सियालकोट चली गई थी और स्टूडेंट के साथ आई है। और लेकिन जो था मैं यहीं से लाहौर से, तो मैं ऑटो से फिर आऊँगी। तो मैं स्टूडेंट है और मैं नाजी सिस्टर के सिस्टर तक कोई दिखेगी, क्योंकि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हमने टिकट ले ली है और अब सब अंदर जाने लगे। हम लोग आर्मी म्यूजियम लाहौर में पहुंच गए हैं और सब बच्चे पहले अंदर जाएंगे, तो उनके बाद फिर हम लोग करते हैं। और आपको अंदर खा चुका, तो मुझे नहीं लगता कि अंदर भी जो अलाउ लेकिन जहाँ तक हो सकेगा तो तस्वीरें तो अलाउ होंगी, तो मैं वो उतार लूँगी, तो फिर वो मैं इकट्ठा सबको करके तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो करते हैं आप। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा व्यू है, और आज इस बात से मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने स्टूडेंट्स। अब हम सब जा रहे हैं, देखिए इन सब बच्चों की लाइन बन रही है और हम लोग पीछे। सब अंदर जा रहे हैं बारी बारी। जब हम अंदर गए तो उन्होंने कहा आप फोटो बना सकते हैं, वीडियो अलाउ नहीं है। तो मैंने जो चीज तस्वीरें जो मुझे अच्छी लगी, अवल तो मैंने सब भी ली है, लेकिन जो भी जो बताना जरूरी है मैं साथ तस्वीर के साथ आपको बता देती हूँ कि क्या क्या उन्होंने बताया। ये उन्होंने ये बनाने का सिर्फ मकसद था कि उन्होंने बताया था कि किस तरह सारे सूबे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आर्मी कैसे डिसीजन लेती है। और डन जो था ये उन्होंने बताया था कि अंग्रेज कैसे जुल्म कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर। ये कायदे आदम यहाँ पे स्पीक दे रहे हैं, डन ये फातिमा जिना उनके साथ बैठी हुई है। और इसके अलावा ये देखें ये हिस्ट्री में जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ नीचे लिखा हुआ था, मैंशन किया हुआ था। और इसके अलावा ये देखें हाथी, इसको देखें तो हम तो बाहुबली याद आ गया था। और ये देखें बाहुबली में भी जब जंग होती थी तो इसी तरह के उन्होंने बड़े बड़े हाथी दिखाए हुए। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको सब यानी कि सेम वैसे ही जंग होती थी। देखिए इस तस्वीर में उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जब पाकिस्तान बन गया था तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, किसी का कोई किसी की डेथ हो गई थी, वो उसका अफसोस कर रहा था, कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और कोई सामान उठा के ऊपर रख रहा था, इस तरह था। और ये दहशत गर्द की उन्होंने तस्वीर दिखाई हुई थी, बनाई हुई थी वहाँ। और देन ये हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान थे ना बादशाह, वो उनकी भी ये तस्वीर है। और देन ये ऐसी जगह है कि बर्फ, यहाँ पे एक बर्फ आपके जिसम पे पड़ जाती है ना तो वो हिस्सा आपका जाया हो जाता है।
और देन ये सारी तस्वीरें वगैरह उन्होंने दिखाई थी, और ये जो असला वगैरह जो भी यूज वगैरह होता था वो, ये सब कुछ उन्होंने दिखाया हुआ था, और ये मैप वगैरह, और ये जंग कैसे करते थे, और डिफरेंट यानी कि ये देखें किस तरह उन्होंने छुप कर किस तरह से वो प्लान करते थे, ये सब भी उन्होंने सब बताया था उसे। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो डन जो जो मुझे ज़रूरी लगा था मैंने वो ले लिया। ये सारी गन है जो जंग के दौरान यूज होती थी, और ये इस तरह से वो लोग घोड़ों के ऊपर सवार होकर जंग करते थे। लोग अंदर से बाहर आ गए और इतना अच्छा म्यूजियम बना हुआ है माशाल्लाह से, उन्होंने ना ओरिजिनल तस्वीरें बनाई हुई है आदमियों की, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और मैं आपको तस्वीरें वगैरह आपके साथ में पहले मेंशन कर दूँ तो आपने देख ली हो, तो इतना अच्छा रियल में तस्वीरों में पता नहीं इतना अच्छा आया कि नहीं, लेकिन रियल में ही बहुत ही अच्छा बना हुआ। और उन्होंने काफ़ी मेहनत के रूप से वो बारी बारी हर जगह को एक्सप्लेन कर रहे थे कि इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, ऐसे हुआ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सब बच्चों को समझाया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है मुझे। तो आप लोग भी जब भी आओ लाहौर, जो आउट ऑफ सिटी हैं, जहाँ लाहौर के रहने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे आए और ज़रूर विज़िट करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये यहाँ पे दो पॉइंट है और एक वहाँ पे, और ये लिखा हुआ है आर्मी म्यूजियम लाहौर। देन मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखें वो सामने है ना, इनके बारे में जब हम एंटर हुए थे ना तो इन्होंने सारी हिस्ट्री बताई थी, जो जो मुझे बताई है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो थे ना, ये वाले ये सर मैं आगे जाके खड़े हूँ, ये देखिए उन्होंने बताया था कि ये वाला सामने हेलीकॉप्टर है ना, ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, और आजकल यूज हो रहा है वगैरह होती है ना, तो आजकल भी यही यूज हो रहा है, और वैसे ये कभी भी होता नहीं है, यानी कि इस तरह के को यहाँ रख देंगे, ख़राब हो चुका था तो इसलिए उन्होंने उनको यहाँ पर रख दिया, वरना ये कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। और देन एक ये के अलावा वो सामने प्लेन है ये, और इसके अलावा वो पीछे, और ये भी जंग के, ये भी जंग में इस्तेमाल हो चुकी है, और वो आगे बढ़ गया। और इन्होंने आगे दो टॉप के बारे में, और आगे उन्होंने बताया था जो इंडिया के इन्होंने जंग के दौरान इन लोगों ने यानी इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये तीनों जोन से है ना, ये हैं इंडिया के, और जब आप इंडिया के प्रॉपर्टी को अपना बना लेते हो तो उसके बाद देखिए इनका जो झंडा है ना ये उल्टा कर दिया उन्होंने, यानी कि येलो वाला ऊपर होता और ग्रीन वाला नीचे होता, तो जब आप प्रॉपर्टी अपनी इनकी प्रॉपर्टी आप ले लेते हो तो उनका जो झंडा था वो आप उल्टा कर देते हो, ये इसकी निशानी होती है कि ये अब आपकी हो गए। देखिए ये तीन, ये देखें यहाँ से एंट्रेंस हुई थी और वहाँ से हम लोग वापस आए, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं नेक्स्ट जगह पे, तो चलते हैं और नेक्स्ट जगह चल के मिलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है। सॉरी लगा तो नहीं, मेरा ध्यान उधर था। ये बस खड़ी हुई है और इस बस में बैठ के हमें आना है। पाकिस्तान हम लोग पहुंचे।
ऑफिस जाना है और अभी क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं ना, 3 बज रहे हैं ना, तो आपने 4 बजे वापस बस में किला नहीं जाएंगे? किला हाँ बच्चे, शाही किला का टाइम नहीं है, जब काशा है मस्जिद आप जाके टैक्स बोल कर दूसरा टाइम नहीं है, 4 बजे आप लोग बस में वापस हो और यहाँ से कट्ठे जाना है कि लोकल एरिया ठीक है, गेट के अंदर बेशक जाके आप इधर उधर हो जाएगा, यहाँ से कट्ठे जाना है, इधर उधर यहाँ पे नहीं होना, ये लोकल एरिया, समझ आ रही है? हम लोग बाहर आ गए हैं और अब सब पास्ता मंदिर जा रहे हैं। ये सब इसमें बैठने लगे हैं, ये देखो। अच्छा से ना हमें सारी जगह दिखाएगी ट्रेन पे बैठ के, तो ये लोग हमें सारा नारे पाकिस्तान और किला वगैरह जो है ना दूर से वो सारा दिखाएंगे, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट ने कहा हम इसमें बैठना चाहते हैं, तो वो इसमें बैठ गए, सब स्टूडेंट बैठ गए और हमें जगह ही नहीं मिल रही, हमने कहा हम इसको बैठ जाते हैं, लगता है स्टूडेंट भी पूरे नहीं आ रहे, वो दो रह गए, टोटल 75 है स्टूडेंट, हम इस ट्रेन में बैठने लगे हैं क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। आजा आगे आजा, हाँ जी हम देंगे, और भी हैं मैडम तो बिठा ले, नहीं नहीं बस वो चली गई है ट्रेन और वो देखते हैं हम उसमें जा रहे हैं। ये देखते हम लोग अब बैठ के ट्रेन पे तो सारा विजिट करेंगे, वो ट्रेन आगे जा रही है, ये मेरी सिस्टर और साथ में सिस्टर, हम चार इंसान हैं और बाकी 196 साथ में बाकी 324 इसकी स्टेट और लिफ्ट भी है, 2005 से छलांग लिया बाया वहाँ पे भूल गया था, पेरेंट्स की शक्ल क्या करते हैं, वो लड़की बच गई थी बाकी 5 की डेथ हो गई, और वो एक ही यूनिवर्सिटी से थे, ये ट्यूबवेल है पूरे पार्क को पानी मुड़ जा सकता है, ये ट्यूबवेल है और सबको पानी गए पार्क पूरे पार्क, इसके बिल्कुल साथ ही आगे डांसिंग फाउंटेन झील है, 1650 उसकी नोजलें और 8 कलर की लाइट है, हर शाम 7:15 इसका शो शुरू होता है, 17 मिनट ये शो चलता है, 1650 उसकी नोजलें और 8 कलर की लाइट है, अगर आप भी मगरिब के टाइम इधर हो तो देख लीजिए, नहीं हमने पहले खेलेगा ना, जाने दें आपको मैं अंदर से करने को वापस, नहीं नहीं उनके साथ ही हम जाएंगे, वो रुकना इनसे पहले कौन, ओके चलें ठीक है, यहाँ इन्होंने हमारी ऐसी फोटो बनाई थी, हमें नहीं पता था लेकिन उन लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पे आप कृष्ण तो हम आपकी ऊपर सुना था, उस तरीके से उन्होंने ही दी, मीनार का हाँ अच्छा है, आज ये तो रुका ही तो कट को बाद में पहुंचने रहे हैं, ओके
आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आज नहीं अभी हुआ है, इससे पहले जो ना गर्मी थी। ऐसा ही है। ये जी 23 मार्च 1947 को जो कलाकार मंजूर हुई थी उसका दिन आ जाता था। ये जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जब वापिस आए थे मुसलमान, ये सारा मोनोग्राम बने हुए जैसे जंग की तैयारी थे, ये लियाकत अली खान साहब। तो इसकी बिल्कुल बैक पे वोटिंग झील है, जैसे कश्ती वगैरह चलती है बच्चे सैर करते। अगर आपने वो भी प्रोटोकॉल लेना हो तो आपको मिल सकता है इन्हीं पैसों में। वो बच्चे ना आपसे 50-50 लिए ना, उससे हाँ। भी आपको 50-50 लेंगे आपको सेल करवा देंगे। सही, आप बच्चा टाइम देख लेते हम लोग अगर बचा तो फिर ठीक हो। वो सामने किले की दीवार है, हम लोग पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये किला है सामने और वो जनता, ये सिखों का बना हुआ है और बादशाह मस्जिद के पीछे है। हम अंदर जाएंगे यहाँ से तो फिर मैं दिखाऊंगा। और ये माशाल्लाह से सारी स्टूडेंट जो है वो उतर गए। ये देखते हैं, ये सारी किले की दीवार है। आई थिंक हम लोग किला नहीं जाएंगे क्योंकि तो बहुत देर हो जाएगी। और ये देखते हैं, इसके अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि हम मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुखों का बना हुआ किले के लिए टाइम नहीं है, अगर टाइम होता तो हम लोग वहाँ जरूर जाते। तो इसलिए क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं था कि वहाँ म्यूजियम में इतना टाइम लग जाएगा, तो वरना तो किला बिल्कुल सामने ही है बादशाह मस्जिद से। तो इसलिए हम लोग फिर बादशाह मस्जिद से होके तो फिर हम लोग आगे खड़े हो जाते। ये किले की एंट्रेंस है, वो देखें, वो सामने बादशाह मस्जिद है और ये देखें वो सामने, और ये सारा किला है। ये देखें, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है, वरना तो हमें लग पता जाता। ये देखें वो सामने बादशाह मस्जिद, मौसम अच्छे होने की वजह से सब इंजॉय कर रहे हैं, और ना अगर मौसम अच्छा ना ना होता तो बहुत ही गर्मी लगनी थी। और आप मेरे बालों से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। ये सब स्टूडेंट जा रहे हैं, ये देखिए ये इलामा इकबाल का मजार है, यहाँ सब जाके अंदर फातिहा पढ़ते हैं। और ये सामने बादशाह मस्जिद, ये देखें यहाँ से माशाल्लाह। अब ऊपर जाने लगे सब बच्चे अपने यहाँ पे झूठे, और यहाँ से व्यू देखें कितना खूबसूरत है। देखें धूप चली गई थी और एकदम धूप आ गई। चलो चलो अंदर, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से अंदर से बादशाह में। अब हम लोग अंदर आए हैं तो इतनी तेज धूप हो गई है यहाँ पे, बाहर धूप नहीं थी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ सारा, फिर आओ उसमें चले, उधर चली गई, आ जाओ हम भी चलते हैं। वो चली गई, वो देखो वो अंदर गई है उसके अंदर, फिर हम दोनों भी चले ही जाते हैं। अब आंखें खुली हैं, शुक्र है धूप चली गई है। हम यहाँ पे आए हैं तो हमने कहा कि हम दो नफल पढ़ लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ वेट कर रही हूँ, और सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं वो अपनी वजू कर रही हैं, वो करेंगी तो फिर मैं करूँगी। मैं देखती हूँ सामने वजू कर रही हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ। देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से, क्योंकि 4 बजे हम लोगों ने निकल जाना है, तो
इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले नफल पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं वहाँ उधर जाकर पढ़ूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हम वजू करके आए हैं और ना बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखें। और अभी जब मैं आई थी कितनी तेज धूप थी, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और हवा भी इतनी प्यारी चल रही है। आते आते फुल तेज बारिश शुरू हो गई है, देखो सब लोग भाग के आ रहे हैं। ये मस्जिद अंदर से देखो, ये आदमियों की जगह और राइटिंग औरतों की वहां। अब मैं नफल पढ़ के, मैंने नफल वगैरह पढ़ लिए हैं सबने, और बच्चों को भी कहा था कि जितने भी स्टूडेंट हैं इनको पढ़ लें। और हम जो सोच रहे हैं चार बजने वाले हैं तो हम यहाँ से चलते हैं। और मैंने आपको इधर का व्यू देखें, बारिश के बाद बाहर मौसम जो था ना बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितनी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन ये है कि हवा ठंडी हो गई है। हवा तो पहले भी चल रही थी, लेकिन ये है कि फिर भी तपत वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखें मौसम, चलो चलते हैं। अल्लाह पाँव फिर चल रहे, आराम से ना रखो। पत्थर भी ठंडा हो गया। ये उन्होंने लगा के साइडों पे बंद किया हुआ कि अंदर कोई ना जाए। यहाँ से देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू लग रहा है। अब हम लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं, तो आगे कहाँ जाते हैं तो आगे चल के फिर आपसे मिलते हैं। मैंने यहाँ बैठ के अपने जोगे बांधे और ये सामने व्यू देखा कितना प्यारा। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, और ये खाने पीने की चीज़ें। ये देखें ये बादशाह मस्जिद बनी हुई है लकड़ी की। ये किला में जाने के लिए टिकट आया है, तो कितना रश लगा हुआ। गुरुद्वारे का पेंट के चेंज कर देते हैं, एक दफा उन्होंने येलो किया हुआ तो हम पहले आते होते थे तो कोई और कलर था। ये बग्घियां खड़ी हुई हैं, अगर किसी ने बग्घी पे जाना हो तो वो इससे जा सकता है। हमारी बस काफी दूर खड़ी हुई है, पहले तो हम लोग ट्रेन पे आ गए थे, अब धूप उधर धूप निकली हुई है और वो सामने देखें कितने काले बादल। ये देखें तोते, माशाल्लाह ये बैठ के खाने के लिए जगह बनी हुई, पहले नहीं होती थी अब बनी है। वो सामने पुल नजर आ गया, हम पहुंच ही गए। मैं बुरी बता, ये मैंने आयरा के लिए लिया, ये लो इधर। इन बच्चों ने गजरे लिए हैं और ये शॉर्ट बना रही है। बच्चे पूरे नहीं हो रहे। अपने अपने फ्रेंड से पूछे हैं, इधर एक जगह है, इधर एक जगह है। आपके सारे फ्रेंड हैं, देखे अपने अपने फ्रेंड। फाइनली पूरे स्टूडेंट हो गए और हम चलने लगे। और नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। इस व्लॉग का बहुत लंबा हो गया था तो इसका सेकंड पार्ट मैं कल लगाऊंगी। और आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।